सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा सातवीं के ई लर्निंग हिंदी के महाभारत के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हम लोग ये जान चुके थे कि धृष्टद्युम्न जो है वो द्रौपदी जब ससुराल आ रही थी तब वो उसके पीछे पीछे चुपके चुपके आता है और आकर एक बहुत ही जो है तेजस्विनी मतलब देवी को जो है तेजस्वी देवी को झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ पाते हैं और ये देखकर उनको समझने में देर नहीं लगती है कि ये माता कुंती है। और अगर ये माता कुंती है और ये उनके बेटे हैं तो शायद ये पांडव हैं। और ये खुशखबरी लेकर वो जो है अपने पिता द्रुपद को जा कर के सुनाते हैं। कौन? धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई हैं। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। जब उनको पता चलता है, पहले तो उनको लगा था कि किसी ब्राह्मण से बेटी का विवाह हुआ है, लेकिन उनको ब्राह्मण या राजा से कोई मोह नहीं था। उनको तो केवल एक वीर से अपनी बेटी को ब्याहना था, उन्होंने वीर से ब्याह दिया था। लेकिन जब उनको पता चला कि ये राजा है तो उनको लगा कि भाई मुझे फिर उनको मतलब न्योता देना चाहिए, इनके शान में तो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये राजा लोगों का तो कुछ अलग ही मतलब सब रूल्स रेगुलेशंस होता है, तो अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शायद बुरा मान जाएंगे और अब तो ये हमारे रिलेटिव हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुंती जी के साथ जो है माता कुंती के साथ पांचों पांडवों को और द्रौपदी को न्योता भेजा और सभी साथ में जो है जाते हैं द्रुपद नगरी में। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया, तब जाके युधिष्ठिर ने अपना असली परिचय दिया। अब तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है और क्यों झूठ बोलेंगे, वो तो झूठ बोलना भी नहीं चाहते थे। उनको मतलब सही बात अपने रिलेटिव को बताने में कोई शर्म नहीं थी। उन्होंने बताया, यह जानकर कि ये पांडव है, राजा द्रुपद फूले ना समाए। एक तो इतने वीर के साथ अपनी बेटी का ब्याह करवाया उन्होंने और जब उनको पता चला कि ये पांडव जैसे नेक और शरीफ राजा हैं तो ये तो फूले ना समाए, बहुत खुश हुए। युधिष्ठिर ने राजा को अपना उनकी इच्छा पूरी हुई। उनकी इच्छा मतलब कहीं ना कहीं मन में एक दुख ज़रूर था, एक खोट ज़रूर सा लग रहा था कि बेटी का विवाह तो कराया लेकिन राजघराने में नहीं करा पाया। अब आज उनकी सारी इच्छाएं एकदम पूरी हो गई। महाबली अर्जुन मेरी बेटी के पति हो गए हैं तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। उन्होंने कहा, महाबली अर्जुन अगर मेरी बेटी के पति हैं तो ये जो द्रोणाचार्य जो हैं उन्होंने जो मेरे साथ शत्रुता मोल ली है, अब मुझे क्या चिंता। द्रोणाचार्य की धनुष विद्या को तो अर्जुन ही जो है मुझे जो है उससे निकाल देगा। वो अपने लड़ाई के स्किल्स को आजमा कर वो जो है मुझे इस परेशानी से निकाल देगा, क्योंकि उन्हीं ने तो शिक्षा दीक्षा दे करके उसको इतना महान बनाया है। तो फिर अर्जुन मेरी इस बात में भरपूर सहायता कर पाएगा। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली और उनको बहुत संतोष आया। हालांकि ये सब बातें उन्होंने उनसे कही नहीं, लेकिन मन ही मन ये सोचकर वे बहुत खुश हुए और उनके मन को बहुत संतोष मिला। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। पहले तो उसका अर्जुन के साथ विवाह हुआ था, लेकिन फिर माँ की सम्मति के साथ और मतलब सबके आदेश से सब कुछ, फिर पांचों पांडवों से ही द्रौपदी का विवाह हो गया। क्योंकि ये आप किताब में लिखा नहीं है, लेकिन ऐसी घटना घटी थी कि माँ ने जब घर में बैठी थी तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि माँ हम आपके लिए भिक्षा लाए हैं, तो माँ बिना देखे ही कहती हैं कि बेटा जो लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। तो माँ के इस बात को वो टाल नहीं सकते थे। ये धर्म के खिलाफ था कि हम माँ की बात को ना माने,
इसलिए माँ की बात का मान रखने के लिए उन्होंने भिक्षा जिसको कहा था, क्योंकि मतलब द्रौपदी को लाए थे और बोला था कि भिक्षा लाए हैं, तो द्रौपदी को भिक्षा स्वरूप देख करके पांचों भाइयों में बांटना, मतलब पांचों ने उसके साथ विवाह कर लिया, और इसीलिए तब से द्रौपदी पांचाली कहलाई और पांचों पांडवों की स्त्री। तो ये थी कहानी, आज चैप्टर यही समाप्त होता है और साथ में ये क्लास भी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।